ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰੀ ਬੱਤ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਉੱਤੋਂ। ਯੋ ਵਟਸਐਪ ਫਰੈਂਡਸ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਕਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੇਸ ਦਿਖਾਤਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਦਿਨ ਚੜਾ ਲਾਈਫ ਮੇਂ ਔਰ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਰਤੇ ਹਮ ਵੋ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਮ ਆਪਣਾ ਦੇਸੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ ਔਰ ਦੇਸੀ ਵਰਕ ਮੇਂ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਘਾਸ ਕਾਟੀ ਔਰ ਇਸਕੋ ਇਸਮੇਂ ਰੱਖੇਂਗੇ, उठा के वहाँ पर ले जाएंगे और वहाँ पे इस घास को काटेंगे और गाय के लिए और घोड़ी के लिए अपना चारा तैयार करेंगे। वो आपको दिखाते हैं आज। ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰੀ ਬੱਤ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਧਿਆਨ ਬਦਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਫਲੈਗ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੀਰ ਬਦਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਾਨ ਬਦਲੇ देखभाल भी करनी ही पड़ती है। शहर में भी गांव की फीलिंग। तो गाइज, बंदा जितना मर्जी एजुकेटेड और जितना मर्जी मुकाम पे पहुंच जाए पर अपने ज़मीन से जुड़ा होना चाहिए और हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं जो ज़मीन से जुड़े रहते हैं और काम वगैरह करते रहते हैं हम भी। और फिलहाल अभी इसको मिक्स करके गाय को चारा डालते हैं और फिर निकलते हैं जिम को। और साथ में कल शिवरात्रि है और शिवरात्रि वाले दिन जो प्रिपरेशन हो रही है शायद अभी चेक करा दूं मैं आपको, तो वहां चलते हैं और वहां मिलता हूं मैं आपको। तो गाइस, जैसे कि हम पहुंच गए हैं रूपनगर, तो फिलहाल हम पहुंचने वाले हैं आप शंभू के रास्ते में जहां पे हम आपको नया जो दरबार है बताएंगे आपको सामने सब कुछ। फिलहाल आप यहां चेक कीजिए और ये बंद हो कर दी होगी, इसमें अभी नहीं की। ये सामने देखिए गाइस, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल बनाई। तो गाइस, ये है अपनी मेन एंट्रेंस। अभी हम एंटर हो रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सजाया गया है हमारा आप शंभू मंदिर। जैसे क्या हुआ था, आप शंभू मंदिर आ गए हैं अभी। कल शिवरात्रि है और यहाँ पे भोजनालय लंगर की तैयारी चल रही है और हम भी पहुँच चुके हैं गाइस। क्या करें फिर, आपको बताया तो हम जा रहे हैं तो आ रहे हैं पूरी पूरे श्रद्धा से। अब बाल पूरे खराब हो गए। भाई, जहाँ पे हमें अपने जतिन भाई भी मिल गए हैं जो अपना मुंह छुपा रहे हैं। तो ये देखिए गाइस, लंगर की तैयारी चल रही है अपनी जिम की तरफ से, जो स्पॉन्सर है अपने जिम वाले करवा रहे हैं। तो यहाँ पे लंगर की फुल लॉन्ग तैयारी चल रही है और इसके बाद तो गाइस अभी हम बैठे हुए हैं यहीं पे मंदिर के पास ही देख सकते हैं और फिलहाल देखते हैं 12 बजे के दर्शन करेंगे फिर से और मिलते हैं, फिर आपको दर्शन कराते हैं 12 बजे, फिर घर जाऊंगा। और कल का देखते हैं प्लान क्या बनता, आना ही नहीं आना कभी, मैं 12 बजे कर रहा हूँ दर्शन। गाइस, मैं इसने मुझे खजल कर दिया। गाइस, मैं थक चुका हूँ, मैं कह रहा हूँ उसको घर चल, सुबह आएंगे, कहता 12 बजे ही दर्शन कर लो फिर सोते रहना। अभी 12 नहीं बज रहे गाइस, मैं रोने लगा। गाइस देखिए, आंसू आ रहे हैं गाइस, आंसू। गाइस देखिए, आगे आगे आगे। गाइस अब रात को 12 बजे का टाइम हो गया और दर्शन करना है फिर से और आपको दिखाता हूँ। बस बड़े अब बोलते हैं, हमने ड्यूटी लगवा दी अपनी यहाँ पे। हम अब घर पे जा रहे हैं, रात के 2 बज गए हैं, फरार हो रहे हैं। हम सुबह आ जाएंगे, सुबह आ जाएंगे। अब तक के पड़ा, अब सोएंगे घर जाके। अब लाइन देख सकते हैं आप कहाँ तक लगी हुई है, रात के 2 बजे। भैया
नहीं 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 हेलो ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गाइस पूरी रात के हम कोई 11:30 से खड़े हैं, अब थोड़े मुझे लग रहा है क्रैम्प्स भी पड़ने लगे हैं, सुबह के 8:30 हो गए हैं, लेकिन उन क्रैम्प्स को थोड़ा करने के लिए हल करने के लिए खाना खाएंगे, पानी शानी पियेंगे, हो जाएंगे, फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। और हम हमारी ड्यूटी देखिए कहाँ पे लगी है, कपड़े भर दिए गाइस इससे मेरे। तो हर हर महादेव गाइस, और हम भी निकल रहा हूँ मैं घर को, थोड़ा काम आ गया तो घर जाते हैं और फिर उसके बाद फिर से आ जाएंगे यहाँ पे। आज शिवरात्रि है और हम यहीं पे रहेंगे ज़्यादा देर। ये देखिए दूर दूर तक लाइन लाइन दिखेगा, इतना रश है अभी, दोपहर का टाइम है अभी।